मध्य प्रदेश की राजनीति की जब जब बात होती है, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम हमेशा जबाँ पर आता है और उन्हीं के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहे हैं उनके सुपुत्र और भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा नेता आकाश विजयवर्गीय। आज जन्मदिन का खास मौका है। सबसे पहले एमपी न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आकाश जी। आकाश जी, आज खास मौका है, परंपरा का निर्वहन आप आगे कर रहे हैं। जिस तरह से पिताजी और भाजपा के कद्दावर नेता कैलाश जी अक्सर जो है वृद्धाश्रम में इस तरह की खुशियाँ साझा करने आते हैं अपनों के बीच में, किस तरह का ये संदेश है और खासकर युवाओं के बीच में किस तरह से आप जो है एक नया परिपाटी यहाँ पर शुरू कर रहे हैं? देखिए, मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि ये दिन सामान्य दिनों की तरह ही रहें, क्योंकि अपना काम करने से बड़ी चीज़ और कुछ भी नहीं है, कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं होता, और आप लगातार कर्म करते रहें उससे अच्छी चीज़ कोई नहीं होती। मगर ये मित्र मंडल जो है, पूरा सब दोस्त यार लोग हैं, ये लोग कुछ ना कुछ इस प्रकार के कार्यक्रम कर लेते हैं और इतने अच्छे कार्यक्रम बताते हैं कि मना भी नहीं कर पाता हूँ। जैसे यहाँ पर आज वृद्धाश्रम में आकर के उनको जो वृद्धों को टॉवेल और दवाइयों की आवश्यकता थी, 4 कंप्यूटर टेबल की आवश्यकता थी, वो हम लोग देने जा रहे हैं। फिर अभी चोरल जाएंगे यहाँ से, वहाँ पर लगभग 2,500 बच्चों को स्कूल बैग और चॉकलेट का उन्होंने वितरण रखा है। शाम को हम लोग लगभग 25 विकलांगों को ट्राईसाइकिल और ये सब, तो ये लोग इस प्रकार के कार्यक्रम रख लेते हैं, तो मैं तो चला जाता हूँ। बाकी पूरा ये जो आयोजन रहता है, ये हमारे जो दोस्त लोग हैं वो लोग करते हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूँ और ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उनकी वजह से इतना अच्छा परिवार, इतने अच्छे दोस्त और आप जैसे लोग। आकाश जी, वैसे राजनीतिक परिवार से आने के साथ साथ में आपको एक बेहतर मार्गदर्शन अक्सर मिलता रहता है, कैलाश जी के जो है वो नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहे हैं, युवाओं की एक अच्छी टीम तैयार हो चुकी है, और साथ साथ में हम लोग बोल रहे हैं देव से महादेव की एक वेलफेयर सोसाइटी, वो किस तरह से अपना काम आगे बढ़ा रही है। एक लंबा समय हो चुका है और एक अच्छी टीम और एक बेहतरीन प्रयास यहाँ पर लगातार किया जा रहा है, किस तरह का ये संदेश है और युवाओं के बीच में एक आध्यात्म का एक संदेश किस तरह से जो है वो आगे बढ़ रहा है? देखिए, युवाओं में ऊर्जा बहुत है, हम सभी देखते हैं, युवाओं में शक्ति बहुत है, अगर वो शक्ति हमेशा सही दिशा में लगे, सही दिशा में चलती रहे, उसके लिए हमारा देव से महादेव का प्रचार चलता है, जिसमें हम लोग ओम नमः शिवाय के जाप का निवेदन करते हैं लोगों से कि वो प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करें। सामूहिक जाप के कार्यक्रम भी हमारे रहते हैं, उसी में निवेदन करते हैं कि लोग प्रतिदिन जाप करें ताकि उनके अंदर का ईश्वरत्व जागृत रहे और वो हमेशा बुराइयों से बच के रहें, सही दिशा में बच के चलते रहें, और उनकी जो शक्ति है वो सही दिशा में लगे। मेहनत तो सभी लोग करते हैं, मगर सफल तो 1-2% ही हो पाते हैं, क्योंकि सफलता उसे मिलती है जिसकी मेहनत सही दिशा में हो। तो सफलता तो मेहनत से ही मिलती है, बस वो मेहनत सही दिशा में हो, इसके लिए ओम नमः शिवाय का अभियान। आकाश जी, आगामी चुनाव बहुत करीब है, मिशन 2018 मध्य प्रदेश में उसको लेकर हलचलें तेज हो गई हैं, युवाओं पर खासा फोकस है, खासकर हम वो बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी साफ तौर पर कहना है कि युवा ही जो है भविष्य भारत का तय करेंगे, आगामी चुनावों को लेकर किस तरह का आपकी जो है वो आगे की कदम बढ़ाएंगे? क्योंकि जिस तरह हम लोग पिछले चुनाव की बात करें, आप अक्सर जो है सक्रिय रहते हैं युवाओं के बीच में, आपकी जो है वो सक्रियता अक्सर रहती है, किस तरह से जो है पार्टी की रणनीतियों को आगे बढ़ाने का एजेंडा है और आने वाले चुनाव में किस तरह की भूमिका आपकी रहेगी? देखिए, हम लोग इस प्रकार के नेता नहीं है जो सिर्फ चुनाव आया और उसके चिंता में फिर सक्रिय होते हैं। हम लोग तो और कुछ काम नहीं करते हैं, फुल टाइम पॉलिटिक्स को मतलब सामाजिक कार्य करते हैं, फुल टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। तो हम लोग हमेशा से 5 साल इसी प्रकार लगे रहते हैं और आगे भी इसी प्रकार लगे रहेंगे। निसंदेह युवाओं से ही देश का भविष्य है, तो कार्यकर्ता के रूप में हम हमेशा तैयार हैं, पार्टी जब जैसी जो जिम्मेदारी देती है उसका निर्वहन करते थे, करते हैं और आगे भी करते हैं। कैलाश जी फिलहाल जो है वो राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय है, पिछले दिनों इंदौर भी उनका आना हुआ था, लेकिन महू विधानसभा की खास तौर पर बात करें, किस तरह का माहौल है? पिछले 5 सालों की अगर बात करें तो बहुत ही जो है वो पूरी सक्रियता के साथ में अपनी जिम्मेदारी संभाली, एक सीधा जो हम लोग बात करें सक्रिय नेता के साथ साथ में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भी आप वहाँ पर अक्सर नजर आते हैं, महू विधानसभा में किस तरह की स्थिति फिलहाल आप देख रहे हैं? देखिए, हम तो महू विधानसभा अब कभी भी कांग्रेस नहीं जीतेगी, हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और हमारी यही तैयारी है कि माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी लड़ें या कोई भी लड़ें, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आज जन्मदिन के खास मौके पर युवाओं को क्या संदेश रहेगा, खासकर आकाश विजयवर्गीय एक बेहतर नेतृत्व के साथ जिस तरह से राजनीति में एक बड़ा नाम धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाते हुए, क्या संदेश रहेगा, खास संदेश युवाओं को खासकर आपकी तरफ से? युवाओं को सिर्फ यही संदेश है, चरे वैती मतलब लगे रहें, चलते रहें, जीवन में अच्छा बुरा सब समय होता है, मगर हमें हमेशा अपने लक्ष्य पे ध्यान रख के
चलते रहना चाहिए, तो अपने आप अगर रुके तो फिर फंस जाते हैं, जो रुक गया वो फंस गया भंवर में, ऐसा एक गीत भी है। रुकना नहीं, चलते रहना, अपने आप सारी समस्याएं हल होती है, इसलिए चरे वेती चरे वेती, यही संदेश है आज का। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी जन्म की, कि युवाओं को अक्सर जो है वो चलते रहना चाहिए, क्योंकि यही संदेश है। और जिस तरह से जन्मदिन का खास मौके पर उन्होंने आज यहाँ पर बुजुर्गों के बीच में जन्मदिन के खुशियों को साझा किया है, वो फिर से एक नया संदेश दे रहा है। फिलहाल MP News के लिए पीयूष पारे की रिपोर्ट।